पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक पूरी तरह कवर कर लिया था और ये सिंपल ड्राइंग थी। अब इसे मैं रियलिस्टिक बनाने का प्रयास करूँगा इसमें। तो पहले मैं 10B का यूज कर रहा हूँ और यह एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। तो इसे यदि आप बिगनर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी इस प्रकार से रियलिस्टिक बना सकेंगे। और फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा महंगे टूल्स का यूज नहीं करता हूँ। मैं इसमें जो यूज कर रहा हूँ वो 8 लाइन का 10B पेंसिल है और पेपर मैं आइवरी के 200 GSM का यूज करता हूँ और ये A4 साइज है। और हेयर को ड्रा करते समय जिस प्रकार से हेयर का फ्लो रहता है उसी प्रकार से मैं स्ट्रोक देता हूँ। और पहले मैं इसमें 4B और 2B का यूज कर चुका हूँ हेयर में। अब सीधे मैं 10B का यूज कर रहा हूँ और इसके बाद इसे मैं ब्रश से ब्लेंड कर दूंगा। और जो मैं ब्रश यूज करता हूँ वो सिंपल ब्रश है। और दोस्तों, मैंने इस ड्राइंग को बनाने के लिए पूरी तरह से ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किया हूँ और इसमें चारकोल का कहीं भी यूज नहीं किया हूँ। और इस ड्राइंग को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लग गया क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल से मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और चारकोल पेंसिल से मैं जल्दी से ड्रा कर पाता हूँ। इस वीडियो का मैंने पहले ही 2 पार्ट और अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें पहले वीडियो में मैंने इसका आउटलाइन बनाया था वाला वीडियो है और दूसरे वीडियो में मैंने इसमें सिंपल ड्राइंग किया था जिसमें मैंने HB 2B और 4B का यूज किया था। अब इसमें मैं 10B का ज़्यादा यूज करूँगा ताकि इसमें डार्कनेस अच्छे से आ पाए और ड्राइंग भी रियलिस्टिक लगे। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने बैकग्राउंड को भी कवर किया हूँ और हर एक पार्ट को वीडियो शूट किया हूँ और ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखा हूँ वीडियो को। और दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आप भी अच्छी सी ड्राइंग बना पाएंगे और शेडिंग भी अच्छी से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हेयर को ड्रॉ करने के बाद अब मैं फेस को शेडिंग कर रहा हूँ और शेडिंग के लिए मैं अभी 10B की यूज किया क्योंकि मैं पहले इसमें 2B और 4B की यूज कर चुका हूँ। और ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश की यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप अच्छी सी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है और पेशेंस रखना होता है। और यदि आप थोड़े ही टाइम में अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। और इस ड्राइंग को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लगा था।
को भी कवर करने वाला हूँ। तो चलो अब बैकग्राउंड बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं HB पेंसिल की यूज कर रहा हूँ, जो कि लाइट पेंसिल होती है, और इसके बाद मैं 4B की यूज करूँगा इसी में, जो कि इससे डार्क होती है। और ब्लेंड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टंप और ब्रश का दोनों का यूज कर रहा हूँ। HB पेंसिल की यूज कर रहा हूँ और इसे अब मैं ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड किया हूँ। और ब्लेंड करने के बाद अब इसमें मैं 4B पेंसिल की यूज कर रहा हूँ, थोड़ी और डार्कर शेड देने के लिए। और इसे भी मैं ब्लेंड करने के बाद इसमें 10B की यूज करूँगा। अब 10B की यूज कर रहा हूँ और डार्कर करने के लिए, और ब्रश से ब्लेंड कर दिया।
आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा, और ड्राइंग रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वाला वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेक कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना।